नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित की कार्य पुस्तिका का कार्य पत्रक 40 हल करेंगे। तो इस कार्य पत्र को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें हमें कौन सी दक्षता प्राप्त करनी है। संख्याओं को अंकों, शब्दों, आरोही एवं अवरोही क्रम में लिखने की समझ बना पाना। तो कोई संख्या दे रखी है उसको अंकों से शब्दों में या शब्दों से अंकों में बदलना, उन संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना या अवरोही क्रम में लिखना हम इस कार्य पत्रक में समझेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारे, निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। यहाँ पर जो हमें संख्या दे रखी है उनको शब्दों में लिखना है। तो पहली संख्या है 76 लाख, पहली संख्या हो जाएगी 76,57,980। तो इस संख्या को हम शब्दों में इस प्रकार लिख देंगे। दूसरी संख्या है सैकड़ा, 10,000, 10 लाख, करोड़, 5 करोड़। ये संख्या हो जाएगी 5,23,23,480। इस प्रकार इस संख्या को शब्दों में लिख देंगे। तीसरी संख्या है हमारे पास सैकड़ा, 10,000, 10 लाख, 7 करोड़, 7,51,28,543। तो इसको हम शब्दों में लिखेंगे 7,51,28,543। ये इसका शब्दों में रूपांतरण हो जाएगा। चौथी संख्या है सैकड़ा, 10,000, 10 लाख और करोड़। ये संख्या हो जाएगी 6,03,06,975। 6,03,06,975। कुछ 75 बोलते हैं, कुछ 75 बोलते हैं, जो आपको उचित लगे वो लिख सकते हो। पांचवा, सैकड़ा, 10,000, 10 लाख और करोड़। तो ये संख्या हो जाएगी 2,57,20,680। तो लिख देंगे 2,57,20,680। इस प्रकार पहला प्रश्न हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। यहाँ पर जो संख्या है वो हमें शब्दों में दे रखी है उनको अंकों में लिखना है। तो पहला प्रश्न है 5,03,20,308। तो यहाँ पर लिख देंगे 5 करोड़, अब लिखना है हमें 3 लाख और 20,308। ये संख्या अंकों में बन जाएगी। दूसरे में है 3,12,12,835। तो ये 3 करोड़ हो जाएंगे, ये 12 लाख हो जाएंगे, 12,835। तीसरे में है 6,02,08,472। तो ये हम इस प्रकार लिखेंगे इसको, 6,02,08,472। चौथा है 9,10,18,900। ये 9 करोड़ हो जाएंगे, ये 10 लाख हो जाएंगे, ये 18,000, ये 900। पांचवा, 4,03,15,404। तो ये 4 करोड़, ये 3,15,404। इस प्रकार इन संख्याओं को हम अंकों में बदल देंगे। तीसरा प्रश्न, नीचे दी गई संख्याओं के बीच बॉक्स में से बड़ा, से छोटा या बराबर में से उपयुक्त चिन्ह लगाइए। पहले है हमें संख्याओं की तुलना करनी है, इस तरफ और इस तरफ वाली संख्याओं की तुलना करके इन चिन्हों को लगाना है। तो देखते हैं बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे पहला तो ये इकाई के अंक हो जाएंगे, ये दहाई के अंक, ये तीनों सैकड़ा तक के अंक हो गए, और ये हो गए 10,000 तक के, और ये लाख अंक। लाख वाली जगह पे 5 अंक बड़ा है तो ये संख्या भी बड़ी हो जाएगी और ये चिन्ह लग जाएगा। अब इसमें भी ध्यान से देखेंगे तो लाख की जगह दूसरी संख्या है, इसमें भी हम सैकड़ा के अंक देखेंगे, फिर 10,000 के और फिर 10 लाख के। तो 10 लाख वाले अंक तो दोनों संख्याओं के बराबर हैं, तो 10,000 वाले अंकों में ये संख्या बड़ी है, 10,000 वालों में ये संख्या बड़ी है, तो ये चिन्ह इस प्रकार लग जाएगा। जो संख्या बड़ी होगी उसकी तरफ ये दो भाग वाला और नुकीला भाग वो छोटी जो संख्या होगी उसकी तरफ होगा। अब हम तीसरे में जाँच करते हैं, सैकड़ा के अंक दोनों के देख लिए, अब 10,000 के अंक और फिर लाख के, तो लाख वाले अंक दोनों के बराबर हैं। जो 1,000 के अंक है उसमें ये संख्या बड़ी आ रही है, तो इस प्रकार ये चिन्ह लग जाएगा। चौथे में सैकड़ा तक के 10,000 और 10 लाख, ये संख्या बराबर आ रही, तो इसमें बराबर का चिन्ह लग जाएगा। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित संख्याओं को छोटे से बड़े आरोही क्रम में लिखिए। इसमें पहला है छोटे से बड़े, यानी छोटी संख्या को हमें पहले लिखना है। तो छोटी संख्या सबसे छोटी ये हो जाएगी 2
2881। इसके बाद 10,000 की संख्या है तीनों ही, तो इसमें ये संख्या छोटी हो जाएगी 53,630। इसके बाद ये संख्या आएगी 74,354 और इसके बाद ये संख्या आ जाएगी 80,000। अंत में ये जो संख्या बच रही उसको लिख देंगे 52,85,563। अब दूसरे की संख्याओं को हम आरोही क्रम में लिखते हैं तो सबसे छोटी संख्या आ जाएगी 2,827। इसके बाद 1,000 की दो संख्या, 10,000 की दो संख्या दे रखी है तो उसमें ये संख्या छोटी आ जाएगी 20,842। उसके बाद 85,143। इसके बाद लाख की संख्या है एक, तो ये आ जाएगी 201,545। और अंत में जो संख्या बच रही है वो लिख देंगे 43,18,522। इस प्रकार हम इस प्रश्न को दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखते हुए हल कर लेंगे। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं को बड़े से छोटे अवरोही क्रम में लिखिए। यहाँ पर हमें बड़ी संख्या को पहले लिखना है और उसके बाद छोटी संख्याओं को लिखना है। तो ये संख्या सबसे बड़ी आ जाएगी क्योंकि इसमें 26,64,312। इसके बाद ये संख्या आ जाएगी जो 9,87,000। अब ये संख्या आ जाएगी 98,405 और 75,392 और लास्ट में आ जाएगी 3,096। दूसरे में ये संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी तो इसको लिख देंगे हम 50,06,373। अब लाख की संख्या दो आ रही है तो ये भी 5,00,000 है, ये भी 5,00,000, तो 10,000 वाला जो अंक है बड़ा इस संख्या का हो जाएगा, तो ये संख्या पहले आ जाएगी 5,67,300 और अब आ जाएगी 5,02,55 और ये संख्या आ जाएगी अब 10,001 और लास्ट में आ जाएगी 5,038। इस तरीके से हमने इनको अवरोही क्रम में लिख दिया। तो इस वीडियो में हमने कार्य पत्रक 39 को हल किया है। अगले वीडियो में हम अगला कार्य पत्रक हल करेंगे। इस कार्य पत्रक के अलावा अगर दूसरे कार्य पत्रक भी आपको देखने, समझने या हल करने हैं तो गणित और हिंदी के जो कार्य पत्रक हैं उनके लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहां से जाकर आप जो भी कार्य पत्रक समझना है उसको देख सकते हैं। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।